हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉल्ट यानी के झटका। ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 30 मिनट्स की, और ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है अमेजोन प्राइम वीडियोस पर। और इसमें हमें नजर आती है केट बेकिंसले। यकीन मानो इतने सालों से ये एक्ट्रेस काम कर रही, साली बूढ़ी ही नहीं हो रही है। इसको तकरीबन इंडस्ट्री में यार इतना साल हो गया कि इतने साल अगर बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस होती तो वो अभी माँ का रोल कर रही होती। लेकिन केट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। खैर, इस मूवी की कहानी फोकस करती है लैंडी लिंडा पे, जो कि एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि इसके पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी वजह से ये दूसरे इंसानों से पूरी तरह से अलग है। इसके अंदर स्पीड है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा। और जब ये गुस्से में आती है तो उसके सामने वालों का क्या हालत करती है ये कोई बता नहीं सकता। खैर, लिंडा पे एक तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब लिंडा की लाइफ में आता है एक लड़का। अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके पास 1.5 घंटा है तो आपके पेरेंट्स के पास जाके बैठो, आपकी गर्लफ्रेंड से बात करो और अपने वाइफ और बच्चे के साथ वक्त बिताओ। यूट्यूब में कुछ रोस्ट वीडियो देख लो, या तो फिर 1.5 घंटे बहुत कुछ होते हैं उसमें, आप लोग बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी से जितना हो सके दूर रहना। अगर आप लोगों ने वर्स्ट मूवीज़ देखी हॉलीवुड की तो भाई तो ये मूवी आप उस लिस्ट में शुमार कर लोगे। स्टार्ट से लेके एंड तक इतनी वाहियात है मैं आपको बता नहीं सकता। प्लॉट आपको फिर भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपका सर पूरी तरह से फटने वाला है। ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ना ही कोई कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है जिससे हम उनसे कनेक्ट हो पाए। मूवी में जो एक्शन सीन्स है वो भी इतने बकवास बचकाने के, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ। और मूवी में इतने इलॉजिकल चीज़ें बताइए कि यार मेरा मुँह मत खुला। और अगर विलन की बात करूँ तो वो विलन कम जोकर ज़्यादा लग रहा था, और वो बुढ़ऊ को इतना बड़ा खूंखार विलन बिलियनर बता दिया, और क्या बोलूँ यार। उसके अलावा मूवी में ना काफ़ी हद तक चीज़ें ना प्रेडिक्टेबल लगती है। मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी। अगर आपको फिर भी देखना तो भाई जाके देख लो। स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तो बस वो लोग ये इंट्रोड्यूस करा रहे लेंडी को, लिंडा को, और फिर वो एडल्ट सीन स्मूचिंग वीचिंग वो सब चालू हो गई थी। तो यार मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर भी मैंने इस मूवी को मैंने पूरा देखा, और अफसोस की बात यह है कि वो लोग इसका सीक्वल भी लेके आएंगे अगर ये मूवी चलती है तो। और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन फिर भी अगर पसंद आती है तो फिर भाई वो आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 10। 2.5 भी मैं सिर्फ केट को दे रहा हूँ, क्योंकि केट एक वक्त में बहुत ही गजब की एक्ट्रेस थी। यानी कि वो एक्शन सीन्स इतने शानदार तरीके से करती थी, और वो बोलूँ यार मैं उसके बारे में तो सिर्फ उसके लिए मैं 2.5 स्टार दे रहा हूँ। बाकी तो भाड़ में गई मूवी। पेरेंटल गाइडेंस के इतना ही बोलूँगा कि मूवी में आपको एडल्ट सीन देखने को मिलेगा, और वॉयलेंस के नाम पर बस मजाक है और कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।